हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप सब मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए आपको पहले ऐप डाउनलोड करनी है, देन भारत पंचाल सर्च करना है एंड देन आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। 100+ वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उन्हें चेक कर लीजिए, बहुत बढ़िया वीडियोज़ हैं। और विद क्वेश्चन IIT JEE के क्वेश्चन भी मैं उसमें पुट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बारे में। क्या होती है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, बहुत बार पढ़ोगे इसके बारे में, बिल्कुल बेसिक सी टर्म है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। क्या होती है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी, या कह लीजिए इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है कि बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में। ये एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसे को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर। तो क्या होगा अगर ये दो एटम डिफरेंट हैं, तो इनमें से कोई क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। जो इसे खींच लेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, थोड़ा सा अपनी तरफ झुकाव हो जाएगा इसका, और जो जिससे वो दूर चला जाएगा उसे बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। अब बी ने क्यों अट्रैक्ट किया, या ये कह लीजिए कि किसी बॉन्ड के अंदर कौन सा एटम अट्रैक्ट करेगा, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों करेगा ये हम पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या कुछ ट्रेंड है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, फैक्टर्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो जिन फैक्टर पर डिपेंड करती है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है अटोमिक रेडियाई, अटोमिक रेडियस, बोले तो अटोमिक साइज। अब सिंपल समझो कि जैसे मान लो कि एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइज है पूरा, ये एक दूसरा एटम है और ये इसका साइज है पूरा, ये न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट एक्चुअल में कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव मींस न्यूक्लियस। अब अगर देखिए साइज बड़ा है तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो और अगर यहां पे मैं बात करूं, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना क्या है, आसान है। मींस अगर छोटा साइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट करेगा, और अगर साइज बड़ा है तो वो मुश्किल से अट्रैक्ट करेगा। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एटॉमिक रेडियाई बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एटॉमिक रेडियाई छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। सेकंड फैक्टर करते हैं, सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इसके अंदर 8 प्रोटॉन है, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +8 है और इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +9 है। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कौन आसानी से अट्रैक्ट करेगा, सिंपल मैं क्या कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, मींस अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लास्ट फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं कि जैसे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में शेल होती है, उन शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
मान लेते हैं ये लास्ट शेल है, ये वैलेंस शेल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो क्या होगा, ये जो इनर शेल होती हैं, ये अपोज करती हैं अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का। क्या करेगी, ये शेल अट्रैक्ट नहीं होने देगी इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, ये उसके लिए शील्ड का काम करेगी, एक ये कह रही थी बैरियर का काम करेगी, रुकावट पैदा करेगी, तो ये अंदर अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ये उतनी अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा इसकी शील्ड की वजह से, प्रोटेक्शन की वजह से। वो पता ना कर्ण जी थे हमारे, करनाल के कर्ण, दानवीर कर्ण, वो उनका वो कवच था, वो शील्ड थी, जैसे ही कोई एरो कोई तीर उनकी तरफ आता था वो शील्ड पैदा हो जाती थी, वो जाने देती थी वहां अंदर। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर आना चाह रहा है, बट एकदम से शील्ड पैदा होगी, रुकावट पैदा होगी, अंदर नहीं जाने देगी। जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ही बाहर वाले को अट्रैक्शन क्या होगी, कम फील होगी। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो? अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर आना चाह रहा है, बट शील्डिंग रुकावट बहुत तेज है, ये नहीं फील करने देगा इसको अट्रैक्शन, और ये नहीं जाएगा, ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इसको। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, ये कह सकते हैं। अगली बात करते हैं, ये तो बात हुई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड रहने वाला है, पीरियोडिक टेबल में क्या कुछ फर्क पड़ेगा। समझिए, ये कुछ हमारी पीरियोडिक टेबल होती है ऐसे, ये है हमारे पीरियोडिक टेबल। जब मैं लेफ्ट राइट मूव करता हूँ, ये जा रहा हूं मैं लेफ्ट राइट, जब मैं लेफ्ट राइट मूव करता हूँ तो जो साइज है वो क्या होता चलता है, कॉन्टिन्यूसली स्मॉल होता चलता है। ओके, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर साइज स्मॉल हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरी बात, लेफ्ट राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। दोनों ही फैक्टर प्लस पॉइंट हो रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, लेफ्ट राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगली बात करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं। देखिए, जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, फैक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज होना चाहिए, और अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज करना चाहिए। फिर कौन सी बात को फॉलो करेंगे हम, देखिए, न्यूक्लियर चार्ज जिस रेशियो में बढ़ रहा है उससे ज्यादा रेशियो में बढ़ रहा है साइज, और अगर साइज ज्यादा रेशियो में बढ़ रहा है मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रेशियो में कम होने वाली है, तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज करने वाली है। इंपॉर्टेंट बात होगा, आप लोगों को समझ में आएगी, आ जाता है ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। लेफ्ट राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। क्यों घटेगी क्यों बढ़ेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगली बात, आपको कुछ दो तीन फैक्टर याद रखने हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो याद रखिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। यहां पे कुछ होता है ग्रुप 17 का हैलोजन फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा फ्रेंशियम। फ्रेंशियम होता है हमारा यहां पे Fr, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कोई एलिमेंट ऐसा भी है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, जिसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है ही नहीं। हाँ जी, ऐसा भी है, पूरा ग्रुप है ऐसा जिसकी जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और वो हमारा ग्रुप है नोबल गैसेस वाला। क्वेश्चन राइज हुआ जी, ऐसा क्यों, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो क्यों होती है? तो देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन को कोई क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब उसे जरूरत है, वो अपनी बैलेंस शेल को पूरा करना चाह रहा है। और अगर किसी की बैलेंस शेल पूरी है, अगर कोई ऑलरेडी स्टेबल है, देन वो क्यों किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो भाई, अगर वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई लालच है उसका, वो स्टेबल होना चाहता है। और एक ग्रुप है जो ऑलरेडी स्टेबल है, जिसको जरूरत ही नहीं है,
तो वो क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्यों पंगों में पड़ेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, और साथ इलेक्ट्रॉन के पंगों में फिरना पड़ेगा उसे। तो ऐसा हो जाता है नोबल गैसेस इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जीरो। अब क्वेश्चन आएगा, सर जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर फ्रेंडशिप की क्या है? देखो भाई, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, फ्रेंडशिप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ वैल्यू होती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होनी चाहिए, सबसे ज्यादा किसकी है, वो फ्लोरीन की है, और सबसे कम किसकी है, वो फ्रेंडशिप की है, वैल्यू होनी चाहिए, और जीरो किसकी है, नोबल गैसेस की है। अच्छा, एक ट्रिक आप लोगों ने याद रखनी है, हमारी पीरियोडिक टेबल का डोन कौन है, हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ताकतवर कौन है, और वो है हमारा फोन, फोन बोले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। ये हमारी पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इनका। एक बड़ा फेमस टॉपिक आएगा हमारा केमिस्ट्री के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी वीडियो बना रखी है, अच्छी चल रही है वो, आप उसे भी देख सकते हो कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही बना सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दो कंडीशन होती हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई और दूसरा साइज स्मॉल, और सिर्फ यही तीन एलिमेंट फुलफिल करते हैं, तो यही तीन एलिमेंट होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, बाकी आप ज्यादा उस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फिर रोल क्या रहता है, क्या बॉन्ड पे कोई फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? बहुत फर्क पड़ता है। किस बॉन्ड पे फर्क पड़ता है? कोवेलेंट बॉन्ड पे फर्क पड़ता है। बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना करता है। ओके, जो साझेदारी करते हैं, दो एटम जुड़ के अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। अब एक एग्जांपल समझते हैं, मान के चलिए ClCl है, ओके, कुछ और मान लेते हैं, मान के चलिए आपका ये है IF है, ये दोनों एलिमेंट सेम है। अब दोनों एलिमेंट जब सेम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये जो बॉन्ड बनाया है इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसी तरफ नहीं जाएंगे, वो बीच में रहेंगे। तो ये जो बॉन्ड होने वाला है, ये होने वाला है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें से किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आने वाला। यहां पे बात करें तो देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो जो बीच में है वो थोड़ा सा किस साइड आ जाएंगे, फ्लोरीन की साइड आ जाएंगे। तो फ्लोरीन पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, आयोडीन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये चार्ज राइज होगी। कोवेलेंट बॉन्ड बना था शेयरिंग से, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन डाला, बट फ्लोरीन ने कमीनापन दिखाया, फ्लोरीन ने अपनी पावर दिखाई कि भाई पावरफुल मैं हूं। ओके, तो उसने इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, पोलैरिटी आ गई है, चार्ज आ गए हैं, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप है, शेयरिंग से बनते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई एलिमेंट है, सिंपल समझो यार, अगर डिफरेंट एटम है तो वहां पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं H2 के बीच में बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन्स के बीच में बॉन्ड है, तो इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है? कोई ज्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है, ये नॉन पोलर है। अगर आपसे पूछता हूं कि HCl में कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहां पे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, एक आयनिक बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है दो एटम्स के बीच में, वो तब बनता है अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिए, अगर दो एटम कंबाइंड हो रहे हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनने वाला है। ओके, तो ये था अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पीरियोडिक टेबल में क्या
ट्रेंड रहता है इसका, किन किन किस एलिमेंट की सबसे ज्यादा है, किस एलिमेंट की सबसे कम है, बॉन्ड पे क्या फर्क डालती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके कुछ डाउट्स बचते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। इन द एंड यही कहना चाहूंगा, प्लीज फॉलो मी ऑन अन अकेडमी एंड सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।